गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। हमारा स्टैंडर्ड है फर्स्ट और सब्जेक्ट है कंप्यूटर। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 3, द कीबोर्ड। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? द कीबोर्ड। और हमारा पेज नंबर है पेज नंबर 25। तो वो अभी आप सबको बुक ओपन करनी है। स्टूडेंट्स, आप सब ने कीबोर्ड तो देखा ही है और उसका यूज़ कैसे होता है, कहाँ पे होता है, वो भी सबको मालूम ही है। यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है? द कीबोर्ड इज़ यूज्ड टू राइट। यू कैन टाइप लेटर्स, वर्ड्स एंड नंबर्स यूजिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ यूज्ड टू राइट मीन्स कीबोर्ड का यूज़ क्या होता है? कुछ भी लिखने के लिए, कुछ भी राइट करने के लिए कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन टाइप लेटर्स, वर्ड्स एंड नंबर्स यूजिंग द कीबोर्ड। हम कीबोर्ड का यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? कुछ भी एनी लेटर्स या फिर एनी वर्ड्स या फिर एनी नंबर्स टाइप करने के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कीबोर्ड से हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि नंबर्स, लेटर्स या फिर एनी वर्ड्स, वो सब हम कीबोर्ड की हेल्प से कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमें कीबोर्ड की पिक्चर भी दी गई है। आप सब ने देखा ही होगा कि कीबोर्ड कैसा होता है। कीबोर्ड फ्लैट एंड रेक्टेंगल होता है। कीबोर्ड पे कितनी कीज़ होती हैं? कीबोर्ड पे 100 से भी ज़्यादा कीज़ होती है, यानी कि मोर देन 100 कीज। ओके स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज। पेज नंबर है 26। पेज नंबर 26 और वहाँ पे क्या है? द कीबोर्ड। क्या लिखा है? द कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स ऑन इट। कीबोर्ड पे कई सारे बटन्स होते हैं। दे आर कॉल्ड कीज। वो सभी को क्या बोलते हैं? बटन से बोलेंगे? नो, कीबोर्ड के सारे बटन्स को हम क्या बोलेंगे? कीज़। वो सबको क्या कहते हैं? कीज़। और वहाँ पे यहाँ हमें पूरी कीबोर्ड की पिक्चर दी गई है और वहाँ पे सभी की भी दी गई है। ओके, देन आगे क्या है? द नंबर की आर यूज टू राइट। द नंबर कीज आर यूज टू राइट्स, यानी कि नंबर की से हम कुछ भी नंबर्स लिख सकते हैं। यहाँ पे नंबर्स के कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 0। तो वो सभी की है, वो हाईलाइट भी की गई है। तो वो कौन सी की हुई? हमारी नंबर्स की। वेरी गुड। अब यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and then 0, वो भी यहाँ पे हाईलाइट की गई है। तो ये एंड ये दोनों की कौन सी हुई? नंबर्स की। ये दोनों की को नंबर्स की कह सकते हैं। एंड देन उसके आगे क्या है? द लेटर कीज आर यूज टू राइट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। यानी कि लेटर्स की का लेटर की है उसका यूज़ क्या होता है? कुछ भी वर्ड्स या फिर सेंटेंस लिखने में यूज़ होता है। लेटर कीज कौन कौन सी है? क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई, यू, आई, ओ, पी। नेक्स्ट लाइन है ए, एस, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल। एंड देन थर्ड कौन सी है? जेड, एक्स, सी, वी, बी, एन एंड एम। तो ये जितने वर्ड, जितने लेटर्स हुए, वो सारे कीज कौन से हैं? लेटर्स की। तो ये सबका यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं? कुछ भी वर्ड्स में या फिर सेंटेंस में। अगर हमें कंप्यूटर में अपना नाम लिखना होता है तो हम कौन सी की का यूज़ कर सकते हैं? ये लेटर्स की। आपको कंप्यूटर में अपना नाम लिखना है तो आप कौन सी की का यूज़ करोगे? ये लेटर की का यूज़ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे ही फिनिश होती है। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना होगा? मैंने आपको आज कौन सी कीज़ सिखाई है?
नंबर्स की एंड लेटर्स की, तो वो दोनों के बारे में आपको लर्न करना होगा। ओके, थैंक यू।